नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। बिहार के एक आदमी ने गलती से खाते में आए पैसे बैंक को वापस करने से इनकार कर दिया। इस शख्स ने तर्क भी बड़ा अजीब दिया है। उसका कहना है कि ये पैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके खाते में भेजे हैं। दरअसल बिहार के खगड़िया जिले में एक आदमी के खाते में बैंक की गलती से 5.5 लाख रुपए आ गए। उसने यह दावा करते हुए रकम वापस करने से इनकार कर दिया कि पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजा गया है। जानकारी के अनुसार खगड़िया के ग्रामीण बैंक ने गलती से मानसी थाना क्षेत्र में बख्तियारपुर गांव के मूल निवासी रंजीत दास के खाते में पैसे भेजे और बाद में लौटाने के लिए कई नोटिस दिए, लेकिन दास ने रकम वापस करने से साफ इनकार कर दिया। रंजीत दास ने कहा, जब मुझे इस साल मार्च में पैसा मिला तो मैं बहुत खुश था। मैंने सोचा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बैंक खाते में 15 लाख रुपए जमा करने का वादा किया था, जिसकी यह पहली किस्त हो सकती है। मैंने सारा पैसा खर्च कर दिया और अब मेरे बैंक खाते में पैसे नहीं है। वहीं इस मामले में पैसा ना लौटाने पर बैंक मैनेजर ने पुलिस में इसकी कंप्लेन की है। मानसी के थाना प्रभारी दीपक कुमार ने कहा, बैंक के मैनेजर की शिकायत पर हमने रंजीत दास को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में आगे की जांच जारी है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।